हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार के नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी लगातार मिलती रहे। दोस्तों, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। TET शिक्षक संघ की ऑनलाइन हुई बैठक में तय किया गया है कि वर्तमान में जारी वेतन निर्धारण में व्याप्त वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा और इसके लिए आंदोलन का सहारा लिया जाएगा। साथ ही प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक नियमावली में अनुभव की बाध्यता और नव प्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के बाद 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद उनके एरियर का भुगतान ना हो पाना भी प्रमुख मुद्दा रहेगा। बैठक में पूरे बिहार से शिक्षक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। भाग लेने वालों में प्रमुख प्रतिनिधि आपको संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम, महासचिव उदय शंकर सिंह एवं कोषाध्यक्ष बलवंत सिंह थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न जिलों के जिला अध्यक्ष व अन्य जिला कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें प्रमुख तौर पर राहुल देव सिंह, आलोक कुमार आनंद, धीरेन्द्र सिंह धीरज, कुमार गौरव भी शामिल थे। बैठक में शामिल सभी प्रतिनिधियों ने एक एक कर अपने जिले की समस्या को सामने रखा। वर्तमान में जारी वेतन निर्धारण में व्याप्त वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने, प्रधान शिक्षक व प्रधानाचार्य नियमावली से जुड़े सवाल के साथ ही ट्रांसफर नियमावली में पुरुष शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण न दिए जाने को लेकर भी बैठक में शामिल सदस्यों ने आक्रोश दिखाया। पूर्व प्रशिक्षित बीएड योग्यताधारी बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के लिए नीलू त्रिपाठी बनाम बिहार सरकार के न्यायाधीश को सभी जिलों में समान रूप से लागू करवाने को लेकर भी बैठक में मांग उठी। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा TET शिक्षकों के अलग संवर्ग के गठन की दिशा में दिए गए निर्देश को लागू करवाने के लिए भी संघ समुचित रणनीति के तहत कदम उठाएगा। साथ ही आंदोलन की भी तैयारी की जाएगी। मांग पर सकारात्मक हल नहीं निकलने पर पूरे प्रदेश में आंदोलन की रफ्तार तेज की जाएगी। बेसिक ग्रेड में बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से प्रशिक्षित का वेतनमान दिलवाने के मुद्दे पर संघ के प्रतिनिधि सभी जिलों में DPO व DEO से मुलाकात कर लागू करने की मांग करेंगे। बैठक में शामिल सभी सदस्यों ने एकमत से इस मुद्दे पर आंदोलन का रुख अख्तियार करने पर सहमति जताई। हालांकि इनमें से कुछ मुद्दों पर हाईकोर्ट में याचिकाएं भी दायर है, लेकिन संघ अपने आंदोलन में इसे भी एक मुद्दा बनाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। बिहार के नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।